गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ साहिन, योर क्लास टीचर. सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 14. सब्जेक्ट इंग्लिश, पेज नंबर 14. आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट कॉक टू केक. कॉक टू केक. इट इज आफ्टर बी. इट इज आफ्टर बी. दिस इज अ कैपिटल लेटर सी. दिस इज अ कैपिटल लेटर सी. इट्स द लेटर सी. इट्स द लेटर सी. लेटर सी. क्या बी के बाद क्या आता है? सी आता है. बी के बाद कौन सा वर्ड लेटर आता है? सी होता है. लर्न अबाउट सी. लर्न अबाउट सी. ड्रॉ अ कैपिटल सी. तो हमें ड्रॉ कैपिटल सी लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्व लाइन. आपको मैम ने पहले भी लिखने के लिए सिखाया है कर्व लाइन. आपको मैम ने पहले भी कर्व लाइन लिखने के लिए सिखाया है. तो कर्व लाइन करेंगे. कर्व लाइन सी के जैसा होता है. कर्व लाइन सी के जैसा होता है. सी को भी कर्व लाइन के जैसे ही लिखते हैं. तो हम लोग कर्व लाइन करेंगे, उसे हम लोग सी कहेंगे. तो ये कौन सा लेटर है? सी. कौन सा लेटर है? सी. सी. अब हम लोग सी से कौन कौन सा वर्ड होता है वो जानेंगे. सी फॉर कॉ. सी फॉर कॉ. सी ओ डब्ल्यू कॉ. सी फॉर कॉ. सी ओ डब्ल्यू कॉ. सी फॉर केक. सी ए के ई केक. सी ए के ई केक. सी फॉर क्रॉ. सी फॉर क्रॉ. सी आर ओ डब्ल्यू क्रॉ. सी आर ओ डब्ल्यू क्रॉ. सी फॉर कैंडी. सी फॉर कैंडी. सी ए एन डी वाई कैंडी. सी ए एन डी वाई कैंडी. सी फॉर कैमल. सी फॉर कैमल. सी ए एम ई एल कैमल. सी ए एम ई एल कैमल. तो बच्चों कौन कौन सा वर्ड मैम ने सी से बताया? सी फॉर कॉ. सी फॉर केक. सी फॉर कैमल. सी फॉर कैंडी एंड सी फॉर क्रॉ. तो आज का होमवर्क आप लोगों का क्या है? सी लिखने का प्रैक्टिस करना है. सी लिखने का प्रैक्टिस करना है और सी से कौन कौन सा वर्ड है उसे लर्न करना है. एंड प्लीज सर्कल द लेटर सी एंड रीड रीड द वर्ड्स अलोंग. प्लीज सर्कल द लेटर सी एंड रीड द वर्ड अलोंग. क्रॉ कैंडी कैमल. थैंक यू.